क्लास ट्वेल्थ के बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर स्पेशल आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं जो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप अपनी केमिस्ट्री के सिलेबस के टच में बने रहेंगे, जिससे आने वाले समय में जब भी एग्जाम होंगे तो आप उसमें अच्छे अंक ला सकते हैं। आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं, 4 क्वेश्चन हैं, और इन 4 क्वेश्चनों में आपको 100% ये गारंटी देते हैं कि ये इनमें से कहीं ना कहीं अल्टरनेट आपको बोर्ड के एग्जाम पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, निश्चित है। पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक उदाहरण देखा तो सबसे पहले समझ लीजिए, आप एक तरफ अभिक्रिया की आणविकता और दूसरी तरफ अभिक्रिया की कोटि, जब भी हम अंतर करते हैं दोनों पहलुओं को एक साथ लिख लेते हैं, अभिक्रिया की आणविकता और सेकंड नंबर पर अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की आणविकता में आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि यह एक सैद्धांतिक मान होता है। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? एक सैद्धांतिक मान होता है जिसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया की जो आणविकता है वह एक सैद्धांतिक मान होता है जिसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है, जैसे H2 plus Cl2 एरो HCl, तो ये H2 और Cl2 दो अणु हो गए तो आणविकता इसकी 2 हो गई। क्लियर हो गया, केवल हमने अभिक्रिया देखी और आणविकता का पता कर लिया। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? यह एक प्रायोगिक मान होता है जिसे वेग समीकरण में अभिकारकों की जो सांद्रताओं की घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखिए, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है जिसे वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग के आधार पर ही हम ज्ञात कर सकते हैं, तो ये आपकी अभिक्रिया की कोटि रही। अब सेकेंड पॉइंट आता है आपका कि अभिक्रिया की जो आणविकता है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन कोटि शून्य हो सकती है। ध्यान रखिए, अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती जब कोटि शून्य हो सकती है। अगला पॉइंट, अभिक्रिया की जो आणविकता है सदैव धनात्मक होती है। अभिक्रिया की आणविकता सदैव धनात्मक होती है, लेकिन कोटि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। ध्यान रखिए, कोटि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लेते हैं दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए। अभिक्रिया की आणविकता के लिए CH3COOCH3 मेथिल एसीटेट पर हम जल की प्लस H2 की रिएक्शन कराएं तो CH3COOH प्राप्त होता है, अर्थात जो CH3COOCH3 है प्लस H2 सांद्रता को हम कैलकुलेट नहीं करते, तो यहाँ आणविकता 2 होगी और कोटि 1 होगी। इस तरह से हम बड़े आसानी से इसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलियम गैस की उपयोगिता लिखिए। हालांकि क्वेश्चन उत्कृष्ट गैसों की उपयोगिता को लेकर भी पूछा जा सकता है, लेकिन हीलियम की ज्यादातर ये क्वेश्चन आया है। तो हीलियम की उपयोगिता में पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का यूज जो समुद्री गोताखोर होते हैं, समुद्री होता को श्वसन या सांस लेने में प्रयोग करते हैं। एक गैस सिलेंडर में हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण भर लेते हैं और समुद्री होता को सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है, हीलियम गैस का उपयोग वायुयान के टायरों और गुब्बारों में भी किया जाता है। इस तरह से हम हीलियम गैस की उपयोगिता पर अपना फोकस डाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन थर्ड में कुछ टिप्पणियां हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स हैं। 100% आपसे हम बता रहे हैं, 101% आपको बता रहे हैं, 101% ये क्वेश्चन आता है, 101% कैसे आता है? कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव टॉपिक आता है। कैसे आता है देखिए, हार्डी सुलसे का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डी सुलसे का नियम क्या बताता है? जो विपरीत आयनों की संयोजकता, विपरीत आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है, कोलाइडी विलयन
के लिए इसकी स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होती है, यानी विपरीत आयनों की जो संयोजकता है जितनी अधिक होगी, कोलाइडी विलयनों की स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। हम कह सकते हैं कि स्कंदन क्षमता आवेशित आयन के समानुपाती होती है, यानी आवेशित आयन जितना ज्यादा होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है और अलग से शॉर्ट नोट साड़ी सुरसे का नियम के आधार पर पूछा भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी आयन पर 3 नेगेटिव है, फिर 2 नेगेटिव है, फिर 1 नेगेटिव है, तो 3 नेगेटिव की जो स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी अपेक्षा 2 नेगेटिव अपेक्षा 1 नेगेटिव। क्लियर हो गया पॉइंट। इस तरह से हार्डी सुलसे का नियम है। आप हमारे चाहो तो इसकी डेफिनेशन को एक बार में पॉइंट टू पॉइंट बोल देता हूं, आप नोट भी कर सकते हैं कि इस नियम के अनुसार विपरीत आवेशित आयनों की संयोजकता, इस नियम के अनुसार विपरीत आवेशित आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी कोलाइडी विलयन के लिए इसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी, इसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वर्ण संख्या, स्वर्ण नंबर, ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स भी आता है। स्वर्ण संख्या क्या है या स्वर्ण संख्या से आप क्या समझते, या निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए स्वर्ण संख्या। तो देखिए इसकी डेफिनेशन को बड़े अच्छी तरह से समझें। द्रव स्नेही कोलोइड, किसी द्रव स्नेही कोलोइड की, ध्यान दें, किसी द्रव स्नेही कोलोइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा, किसी द्रव स्नेही कोलोइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जो दिए हुए स्वर्ण के कोलोइडी विलयन के, जो दिए हुए स्वर्ण के कोलोइडी विलयन की 10 ml उपस्थित होने पर उसका 1 ml 10% NaCl विलयन, 1 ml 10% NaCl विलयन द्वारा स्कंदन होने से रक्षण करती है, द्वारा स्कंदन होने से रक्षण करती है, उसे हम स्वर्ण संख्या कहते हैं। तो द्रव्यस्नेही कोलोइड को हम रक्षी कोलोइड कह सकते हैं, और किसी रक्षी कोलोइड, द्रव्यस्नेही कोलोइड को हम क्या कह सकते हैं, रक्षी कोलोइड, और किसी रक्षी कोलोइड की जो स्वर्ण संख्या है जितनी अधिक होगी, किसी रक्षी कोलोइड की स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ही कम होगी। हम कह सकते हैं कि जो स्कंदन शक्ति है वो रक्षण कोलोइड की अपोजिट होती है। स्कंदन क्षमता, जो स्कंदन शक्ति है, स्कंदन क्षमता है, वो रक्षी कोलोइड की अपोजिट होती है। तो इस तरह से स्वर्ण संख्या की डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक को, आप बुक की हेल्प से भी समझ सकते हैं जो हम टॉपिक बता रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पेप्टीकरण। पेप्टीकरण क्या होता है, व्हाट इज द पेप्टाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजे बने हुए अवक्षेप, ताजे बने हुए अवक्षेप को विद्युत अपघट्य मिलाकर, ताजा बने हुए अवक्षेप है उसमें विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसे हम पेप्टीकरण कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस प्रक्रम में जो प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है उसे हम पेप्टिक कारक कहते हैं, ध्यान रखिए, कभी कभी पेप्टिक कारक पूछ लिया जाता है। तो जो विद्युत अपघट्य प्रयोग किया गया उसे हम पेप्टिक कारक कहते हैं। अगला है विद्युत कण संचलन। तो विद्युत कण संचलन क्या है, क्योंकि विपरीत आवेश पाया जाता है कोलाइडी विलयन पर, तो ये टॉपिक निकल के आता है और इम्पोर्टेंट भी है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो कोलाइडी कण है वो विपरीत आयन वाले, विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, यानी प्लस है तो माइनस करेंगे और माइनस वाला इलेक्ट्रोड है तो प्लस के कण गति करेंगे। तो ये जो विपरीत आवेश, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जो गमन होता है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में उसे ही हम विद्युत कण संचलन कहते हैं। दोबारा सुन लें, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेश की ओर, विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत कण संचलन कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला फोर्थ क्वेश्चन,
टिंडल प्रभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे प्रकाश की गुण भी कहते हैं, प्रकाशी गुण भी कहते हैं टिंडल प्रभा को। अंधेरे में रखे कोलाइड विलयन में, अंधेरे में रखे कोलाइड विलयन में, अंधेरे में रखे कोलाइड विलयन में जब तीव्र प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित करते हैं, जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित है तो इन किरणों का मार्ग क्या है, प्रकाशमय हो जाता है। अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में जब हम तीव्र प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित करते हैं तो जो किरणों का मार्ग है क्या, प्रकाशमय हो जाता है और एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। क्योंकि इस घटना की खोज टिंडल ने की थी, इस घटना की खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसे हम टिंडल शंकु और इस घटना को हम टिंडल प्रभा कहते हैं। एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। टिंडल प्रभाव बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ही आया करता है। दोबारा सुन लीजिए, अंधेरे में रखे कोलाइड विलयन में से जब हम तीव्र प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित करते हैं, तीव्र प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित करते हैं तो इन किरणों का मार्ग क्या होता है, प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है। प्रकाश द्वारा क्या हो जाता है, दृश्यमान हो जाता है और एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। अब ये जो शंकु जैसी आकृति है, क्योंकि इस घटना को टिंडल ने की ली थी, इसलिए हम टिंडल शंकु कहते हैं और इस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये घटना प्रकीर्णन के सिद्धांत पर आधारित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, 100% में से टॉपिक आएगा। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।